तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें इंडिकेटेड टर्म्स यानी कि जो टर्म्स वो हमसे पूछेंगे सिर्फ वो हम आंसर करेंगे। तो जो दूसरे का पहला पार्ट है वो हमारे पास है 2, 6, 11, 17 and A7 हमसे पूछने जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमें एनर टर्म पता होती तो हम सिर्फ एन की जगह क्या पुट कर देते, 7 पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अब चूंकि एनर टर्म नहीं है तो हम देखेंगे कि रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। तो अगर आप पहले तो ये हम देख लेते ये A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5 मिसिंग है, A6 मिसिंग है, देन हम पहुंचेंगे A7 तक। तो अगर आप इसको गौर से देखें 2 एंड 6 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 6 एंड 11 के दरमियान 5 का, 11 एंड 17 के दरमियान 6 का, और उससे नेक्स्ट में 7 का। तो 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 प्लस 7 24, और उससे नेक्स्ट में क्या होगा 8 का, तो 24 प्लस 8 32, और उससे नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड यानी कि A7, तो 32 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। यानी कि A7 जो है वो हमारे पास क्या है 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। तो A7 हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। तो ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये गेस करना है कि इसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास है 1, 3, 12 and 60 और A6 हमें निकालना है, ठीक है। 1, 3, 12 and 60 हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए ये A1 हमें गिवन है, A2 गिवन, A3 गिवन, A4 गिवन, A5 मिसिंग है, एंड देन क्या है A6 है। तो इसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सीक्वेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डिफरेंस ही सेम होना चाहिए। तो उसका अगर आप गौर से देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 आया, 3 को हमने 4 से किया है तो 12 आया, अब 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो मल्टीपल चल रहा है वो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, देन 4 है, देन 5 है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 6 होगा, यानी कि 16 × 6 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, और उससे नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायर्ड है उससे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो A5 निकाल देते हैं, A5 जो है वो आपके पास 60 × 6, तो आपके पास कितना जाता है 60 and 36, 360 आ जाता है, ठीक है। तो A7 फिर क्या होगा, A6 जो है वो आपके पास होगा, 360 को आप कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 0 = 0, 7 × 6 = 42, 4 हम कैरी करेंगे, और 7 × 3 = 21, 4 × 8 करेंगे तो 25। तो इसका मतलब है जो A6 हमें चाहिए वो 2520 हमारा क्या है आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने गेस करना है कि इसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा पार्ट इसी का, 1, 3/2, 5/4 and 7/8, सो ऑन A7 हमें बताना है, ठीक है। यानी कि हमें पहले चार टर्म्स यहाँ पे भी गिवन है, A5 मिसिंग है, A6 मिसिंग है, A5 और A6 मिसिंग है, हम A7 तक पहुंचे। अगर आप गौर से देखें इस 1 के नीचे 1 हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 देख सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखें ये ऑड नंबर चल रहे हैं 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट क्या होगा 9, और उससे नेक्स्ट क्या होगा 11, देन क्या होगा 13। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 2 का मल्टीपल 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो आप इस तरह देखिए A5 सबसे पहले अगर आप निकालना चाहिए तो A5 होगा 7 + 2 और 8 × 2 = 16। और आसान अल्फाज में अगर आप गौर से देखें तो नोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाते हैं 9/16। A6 क्या होगा 9 में 2 ऐड करें 11, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, A7 क्या होगा हमारे पास 11 में 2 ऐड करें 30 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64, तो A7 हमारे पास क्या आ जाता है 13/64। और इस तरह के क्वेश्चन आपके जो नेवी एयर फोर्स या आपके पास आर्मी के जो टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी का जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 4 part 1, 1, 1, 1 -3, 5 -3, 5 -7, 9, एंड हमें फाइंड करना है A8 टर्म्स हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले हम देखते हैं रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, पहले तो ये देख लें ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4, A5, A6, A7 एक मिसिंग है, एंड देन क्या है A8 है। तो इसको अगर आप गौर से देखिए ऑड नंबर्स को सबसे पहले ऑड टर्म्स को पहले देखिए, अगर आप ऑड टर्म्स को देखिए A1, A3,
A5, A7 और देन A9 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है ऑड नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जाना है किसकी तरफ, इवन नंबर्स की तरफ। तो अगर इवन टर्म्स देखिए A2, A4, A4, A6 और देन A8, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, A8 है। अगर आप यहाँ से बात देखें ऑड में जो है -4 का डिफरेंस चल रहा है, तो क्या चल रहा है -4 का, 1 -4 -3, -3 -4 -7, -7 -4 -11, A7 हमारे पास -11 आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमसे इवन A8 पूछा जा रहा है तो हम इवन की देख लें। इवन में अगर आप वो से देखें 4 का डिफरेंस है, 1 + 4 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13। तो इसका मतलब है जो A8 है हमारे पास वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 4, तो A8 हमारे पास आ जाता है 11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। इसमें ऑड और इवन में जो है वो डेफिनेट एक रूल चल रहा था।